हमारा मैं है आज सुबह 6 बजे बाबा श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 6 महीने के लिए सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया है। बाबा बद्री विशाल के, बाबा बद्री विशाल के। सुबह के 4:30 बजे है, हम लोग नहा धो के रेडी, संजय राजू मैं अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे श्री बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। आज बाबा बद्रीनाथ का ओपनिंग सेरेमनी है, सुबह 6 बजे से कपाट खुलेगा बाबा श्री बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो पूरा अंधेरा है, देख सकते हो चारों तरफ। हम लोग इसी होटल पे रुके थे, वो रूम है हम लोग का। हम लोग धाम के तरफ जा रहे हैं, होटल से निकल के आ गए हैं, अभी बद्रीनाथ धाम के तरफ जा रहे हैं। तो अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के तरफ। तो वहाँ पे देख सकते हैं सामने बाबा बद्रीनाथ, वहाँ सामने ये देखिए जय बाबा बद्री विशाल। उन्होंने प्रसादी ले लिया है, वो अभी जाएंगे लाइन पे लगेंगे। तो देख सकते हैं वहाँ सामने कितना लाइन है, पूरा लाइन है। तो अभी जाके लाइन में लगेंगे, 6 बजे कपाट खोलेंगे बाबा श्री बद्रीनाथ के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रिज क्रॉस करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ये ब्रिज के सामने ही देख सकते हैं, नीचे उतरने के साथ साथ ही ये ब्रिज के सामने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन यात्रा पास है, यहाँ पे स्कैनिंग किया जाएगा और यहाँ से एक टोकन मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर सीढ़ी से उतरने के साथ साथ ये ब्रिज आएगा, पुल आएगा। ये पुल के ठीक पास में ही यहाँ पे काउंटर है, तो ये काउंटर में आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन यात्रा पास बनाया था यहाँ स्कैनिंग होगा, उसके लिए यहाँ से एक टोकन मिलेगा। तो देख सकते हैं एक टोकन मिलेगा इस तरह से। बाबा बद्रीनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं, तो हम लोग का लाइन अभी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। और साथ ही हम लोग का 2 फ्रेंड्स मिले हैं, तेजपुर के हैं। तो आप लोग कहाँ से? तेजपुर से। तेजपुर कौन सा जगह से? मैं काहेमारी से। ये काहेमारी से और वो भाई है से। तो यहीं पे मिले हैं 3 लोगों को, बहुत अच्छा लगा। हम लोग आसाम के हैं, आसाम तेजपुर के। तो अभी एक साथ दर्शन करेंगे, हम लोग एक ही साथ आए हैं। तो अभी लाइन आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सकते हैं ये रुद्राक्ष कितना, 100 रुपया का 5। हाँ जी सर, 7 मुखी नहीं। तो ये देखिए रुद्राक्ष 100 रुपये का 5, 7 मुखी होने से देखो। ये कितना कितना मुखी निकलता है? इसमें गॉड गिफ्ट है, अलग निकलते सब, अलग अलग निकलते हैं। 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी निकल जाए। 5 मुखी का तो बहुत है, इसमें से जितना सामान है ना उसमें से कम 10-12 छोड़ के सब 7-5 मुखी होगा। रुद्राक्ष फल है ये जो आप लोगों ने देखा, ये रुद्राक्ष का फल है। इसी से रुद्राक्ष निकलते हैं, 1 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी। ये कौन सा है? ये के अंदर दूंगा किसी ने, ये छिलोगा तो निकलेगा। अच्छा मिल रहा मान लो उधर चले, ऊपर एक मोनी जावे। ये कितना मुखा है? 1 मुखी। काला वाला कौन सा? ये काला वाला 2 मुखी। ये 2 मुखी है गौरी शंकर या। इससे कितना है? 100 रुपये का है। 100 रुपये का 2 मुखी। अगर मार्केट में लोगे ना 500 रुपये का बोले, वो फल में भी नहीं मिलेगा, वो खाली लैपटॉप में लिखा होगा। मैं फ्रूट में निकाल के दूंगा तुम्हारे सामने, नेट पे भी सर्च करके देख लो 2 मुखी कितने का आ जाएगा रेट उसका। सिलना पड़ेगा। अच्छा इसमें स्मेल आ रही है? हाँ ये कच्चा है ना, खराब नहीं होगा वो। केमिकल आपने डाला है? खराब नहीं होगा ना। सर इतने बड़े बीज है और इतने बड़े फल आए? छोटा है तुम्हारा, सर ये तो बहुत छोटे है। 5 मुखी है, 5 मुखी। कितने के है ये? देखिए 5 मुखी। छिलका बड़ा होगा 20 रुपए। छिलका बड़ा होता सही छोटा ही होता है। ये देखिए ये 5 मुखी है, ये छिलका बड़ा, ये वाला, इसका छिलका छोटा सा। देख सकते हैं वर्णाकिनी नदी कितनी तेज धार से बह रही है।
संजय जी सुबह 4 बजे से खड़े हैं, अभी तक भी दर्शन नहीं मिल चुके हैं, अभी तक दर्शन नहीं मिला है, कब मिलेंगे दर्शन? सुबह 4 बजे से लाइन पे खड़े हैं, अभी तक दर्शन नहीं मिला है। और अभी देखिए लाइन कितना लंबी लाइन है, पीछे देखिए और इधर आगे देखिए, सुबह 4 बजे से खड़े हैं लाइन पे, सुबह 4 बजे से लाइन पे ही है सभी, राजू जी संजय और ये दो भाई देख सकते हैं, सुबह 4 बजे से अभी लाइन में खड़े हैं, अभी तक पहुंचे ही नहीं, दर्शन नहीं आया, नंबर नहीं आ रहा है, अभी तक हम लोग का दर्शन हुआ ही नहीं है, सुबह 4 बजे से लाइन पे खड़े हैं। वो देखिए कितना लाइन है अभी, अभी पहुंचे हैं नजदीक। और बाकी है वो पुल देख रहे हैं, वो पुल क्रॉस करके आगे जाना है, तो अभी तो पूरा देख सकते हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल दूर है, बाबा का दरबार दूर है, बाबा का दरबार दूर है लेकिन जाना जरूर है, बाबा का दरबार दूर है लेकिन जाना जरूर है, जय बाबा बद्री विशाल। 12 बज चुके हैं, अभी भी दर्शन नहीं हुए हैं, अभी बहुत लंबी लाइन है, तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बहुत बाकी है, अभी 12 बज चुका है सुबह, 5 बजे से लाइन में है, तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़े, वहाँ पे देख सकते हैं सामने बाबा बद्री विशाल, बाबा बद्रीनाथ धाम वहाँ पे देख सकते हैं सामने, वहाँ सामने देख सकते हैं। हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं, एक्चुअली बाहर से लोग घुस जाते हैं लाइन में इसलिए लेट हो जाता है। बाबा बद्री विशाल देख सकते हैं, और थोड़ी ही दूर है, यहाँ सामने देख सकते हैं, मैं अभी पहुँचने वाले हैं, और थोड़ा दूर है बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन होने वाले हैं। पहुंचने वाले हैं अभी, और 10 मिनट देख सकते हैं बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन होने वाले हैं आज, तो आज 12 मई है, बाबा बद्रीनाथ जी के कपाट खोल दिए गए हैं सभी भक्तों के लिए 6 महीने के लिए, तो हम लोग भी आए हैं आज तेजपुर आसाम से बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो गाइस पहुंचने वाले हैं अभी, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का आसाम का जातीय गौरव जापी लगाया गया है दोनों तरफ, देख सकते हैं जापी लगाया गया है, ये आसाम का जापी है, आसाम का जापी यहाँ पे, ये देख सकते हैं आसाम का जापी दोनों तरफ, देख सकते हैं गरुड़ जी, यहाँ पे गरुड़ जी का प्रतिमा है सामने, जय श्री राम।
सुनाता है क्या? बोला बद्रीनाथ की जय। बाबा बद्री विशाल के दर्शन हो चुके हैं और प्रसाद भी उनके वहाँ वाके लेके आए हैं, तो सभी बोले एक बार बाबा बद्री विशाल की जय। तो कहने लगे हम लोग निकल के आ चुके हैं, बाबा के दर्शन हो चुके हैं। तो सुबह 4 बजे से हम लोग लाइन में लगे थे, अभी बाबा के दर्शन हुए हैं, धन्य हो गए, बाबा के दिव्य दर्शन मिल गए हैं। ये देखिए, ये है बद्रीनाथ धाम के दृश्य, और यहाँ पे देख सकते हैं लाइव आज 12 में मैं हूँ बद्रीनाथ धाम पर। ये देखिए तेजपुर आसाम से, जिन लोगों ने ये दक्षिणा दिया था, तो मैं अभी ये दक्षिणा यहाँ पे डाल रहा हूँ, और आप लोगों की कृपा, बाबा बद्रीनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रही है, और बाबा बद्रीनाथ जी के आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहे। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने ये दक्षिणा दिया था, तो मैं ये सभी दक्षिणा मैं यहाँ पे दान पात्र पे डाल रहा हूँ। ये देखिए, जय बाबा बद्री विशाल। फाइनली दर्शन हो चुके हैं बाबा बद्रीनाथ जी की। गाइस हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छे दर्शन है बाबा बद्रीनाथ जी के, धन्य हो गया मैं, बहुत ही सुकून मिला बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करके। मंदिर से बाहर आ चुके हैं, अभी हम लोग होटल के तरफ जा रहे हैं, तो दिव्य दर्शन है बाबा बद्रीनाथ के। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बाबा बद्रीनाथ जी के कपाट 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं सभी भक्तों के लिए। तो गाइस अभी हम लोग रूम में चलते हैं, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक देखते रहिए आकाश बागदास यूट्यूब चैनल पर।